हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्विज़ आपको हमारे मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर मिल जाएगी और डेली इवनिंग में ऑडियो रिविज़न भी कराया जाता है, तो आप लोग ऑडियो रिविज़न भी जरूर किया कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट विंसन है। अगला था, पहले अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किसने किया था? तो सशस्त्र सीमा बल ने पहला किया था और अभी हाल ही में CRPF ने किया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर्स किससे चुना गया? तो बेस्ट मोशन पिक्चर्स दोस्तों चुना गया है पैरासाइट को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, अभी हाल ही में इसका वितरण हुआ। इस बार इसका 77वां संस्करण था, 77th एडिशन था दोस्तों। कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में इसका आयोजन किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। ठीक है, तो इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर्स दोस्तों चुना गया पैरासाइट को। अब कुछ और अवार्ड दिए गए हैं उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी जान लेते हैं। जैसे एक्टर इन ड्रामा मोशन पिक्चर दिया गया जोकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए, और एक्ट्रेस इन ड्रामा मोशन पिक्चर दिया गया रेनी जेलवेगर को जूडी मूवी के लिए, और बेस्ट ड्रामा मोशन पिक्चर चुनी गई 1917। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों बेस्ट मोशन पिक्चर फॉरेन लैंग्वेज में चुनी गई है पैरासाइट को, जो कि मैंने आपको बताया। इसके साथ ही बेस्ट टेलीविजन परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस चुना गया है ओलिविया कोलमैन को द क्राउन के लिए, और बेस्ट टेलीविजन परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर दिया गया है ब्रेन कॉक्स को सक्सेशन के लिए। ठीक है, इसको वीडियो बैक करके आप लोग सारे अवार्ड्स लिख डालिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर्स इन फॉरेन लैंग्वेज में दिया गया है पैरासाइट को, और बेस्ट ड्रामा मोशन पिक्चर चुना गया है 1917 को। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल्स के लिए समझौते की घोषणा की? तो भारत ने रसिया के साथ घोषणा करने की संकेत दिए हैं एक महीनों के भीतर असाल्ट राइफल्स के लिए। दोस्तों 7.5 लाख से ज़्यादा असाल्ट राइफल्स बनाने के लिए इससे समझौता किया जाएगा। ठीक है, ये बनेगा कहाँ असाल्ट राइफल्स? तो ये दोस्तों बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इसका निर्माण किया जाएगा रसिया द्वारा, इसका निर्माण किया जाना है। ठीक है, इसका निर्माण इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? यूपी के कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अच्छा, अभी आपको कुछ और ऑप्शन में दिख रहे हैं देश, इनसे भारत का कौन कौन सा समझौता चल रहा है सैन्य समझौता, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसराइल से भारत ने किया स्पाइस 2000 बमों के लिए, ठीक है, और अमेरिका से भारत का कौन सा समझौता चल रहा है? अपाचे हेलीकॉप्टर्स का हम समझौता चल रहा है। ठीक है, फ्रांस से भारत का कौन सा चल रहा है? फ्रांस से भारत का राफेल विमान वाला चल रहा है समझौता, तो ये सब भी आपको याद रखना है। रसिया आया है तो रसिया के बारे में जानिए डिटेल में। रूस की राजधानी होती है मॉस्को, जहां पर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018, जिसको जीता था फ्रांस ने, किसे हरा कर? क्रोएशिया को हरा करके। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, व्लादिमिर पुतिन हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शब्द को वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दे नाम के वर्ड को, ये प्रोनाउन होता है एक, इसको वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? अमेरिका के कुछ भाषा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे चुना है वर्ड ऑफ द डिकेड, यानी पिछले दशक का वर्ड। ठीक है, तो ये शब्द है, इन लोगों का कहना है, जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं, इनका कहना है कि जो दे वर्ड है इसका यूज ऐसे व्यक्तियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है जो खुद की पहचान ना तो मेल के रूप में बताना चाहते हैं ना ही फीमेल के तौर पर, और ऐसे लोग ही और सी की बजाय ज़्यादातर यूज करना पसंद करते हैं दे। ठीक है, ऐसा कहना है अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों का। तो ये तो था वर्ड ऑफ द डिकेड। अभी कुछ ही दिन पहले एक और क्वेश्चन आया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, बताया था किसे? क्लाइमेट इमरजेंसी को। ठीक है, वो 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, इसे भी ध्यान रखना है, क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया? तो
तो अभी हाल ही में दिल्ली में दोस्तों लगाया गया, दिल्ली के लाजपत नगर में लगाया गया भारत का पहला स्मॉग टावर। ये स्मॉग टावर क्या होता है? स्मॉग टावर वो होता है दोस्तों कि किसी एक मार्केट में जब एक टावर ऐसा खड़ा कर दिया जाता है जो वहाँ की एयर पॉल्यूशन को शुद्ध करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चाइना के मॉडल पर लगाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अभी कुछ ही दिन पहले। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ इमरजेंसी भी शुरू कर दिया था, लगा दिया था एक बार के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक ऐसा टावर लगाया गया है। विदेशों में कई कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो ऐसा करती हैं, जैसे चाइना वगैरह हो गए। तो एक टावर ऐसे मार्केट इलाके में लगा दिया जाता है जो वहाँ की एयर पॉल्यूशन को शुद्ध करता है, वहाँ की वायु को शुद्ध करता है, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर को अब्जॉर्ब करता है और वहाँ की हवा को काफ़ी हद तक शुद्ध कर देता है। तो ये टावर है 20 फीट ऊंचा, ठीक है, 20 फीट की ऊंचाई वाला टावर है। दिल्ली की लाजपत नगर में ये लगाया गया है। और इस स्मॉग टावर से दोस्तों लगभग 80% तक के जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसे पीएम कहते हैं, PM 2.5, इसको 80% तक का ये ख़त्म करने में सक्षम है, ठीक है। तो दिल्ली में लगाया गया है भारत का पहला स्मॉग टावर। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली पिछले कुछ दिनों में कई बार चर्चे में आया था। क्यों क्यों आया था चर्चे में, सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी दोस्तों 28वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों चौथा ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप चल रही है, CRPF द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में ही इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन ने दोस्तों अपना स्पोर्ट कंपटीशन भी शुरू कर दिया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली बार डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों आयोजित किया जाना है पहली बार डिफेंस एक्सपो 2020, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस बार ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कब आयोजित किया जाएगा? ये 5 से 8 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा 2020 में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या है? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में 2018 में, ठीक है। इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश आया है तो मैप में देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ BJP पार्टी से यहाँ के हैं CM। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है UP में ही। अच्छा, अभी पिछले महीने इटावा सफारी पार्क का भी नाम आया था चर्चे में, तो वो यूपी के इटावा में है, उसे भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए मैप में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तराखंड से, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, 117 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान कौन बनी है? तो केन तनाका दोस्तों बन गई हैं दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान। 117 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी है। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने 2 जनवरी को अपना 117वां जन्मदिन मनाया। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 को और अब ये 117 वर्ष की हो गई हैं। जब ये 116 वर्ष और 66 दिन की हुई थी तभी इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। तो अभी ये वर्तमान में सबसे उम्रदराज जीवित इंसान हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं, केन तनाका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी जी का निधन हो गया? तो TN चतुर्वेदी जी दोस्तों थे कर्नाटक के राज्यपाल। तो ये कब से कब तक थे? ये 2002 से 2007 तक रहे कर्नाटक के गवर्नर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, TN चतुर्वेदी जी का। ये दोस्तों 2002 से 2007 तक तो गवर्नर थे, इससे भी पहले ये 1984 से 1984 से लेकर के 1989 तक ये भारत के कैग थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इनको 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब आया है कर्नाटक, तो कर्नाटक देख लीजिए मैप में, ये रहा कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। गवर्नर हैं वजूभाई पाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में ही। कर्नाटक किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है?
तो कर्नाटक दोस्तों तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से और महाराष्ट्र से, साथ ही साथ गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पांचवा एशिया प्रशांत ड्रोसीफिला सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। तो पांचवा एशिया प्रशांत ड्रोसीफिला समिट दोस्तों आयोजित किया जाएगा IISER पुणे में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में ये आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये 2 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और इस बार ये पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। ठीक है, कब से शुरू हुआ है? 6 जनवरी से शुरू हुआ है, चलेगा 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? IISER पुणे में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में। अच्छा, आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये हैदराबाद में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्ज़ाम में कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ है, ये भी पूछा गया है, ये है बेंगलुरु में। दोनों ऑप्शन मैंने इसीलिए लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता। तो अभी हाल ही में सौरभ चौधरी ने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। सौरभ चौधरी हैं मेरठ के, उत्तर प्रदेश के, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में खेला करते हैं। ठीक है, अच्छा ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल कहाँ रहा है 63वां? तो ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है, तो ये जीत लिए हैं गोल्ड मेडल। सिल्वर कौन जीते हैं? सिल्वर जीते हैं दोस्तों सरबजोत सिंह ने। किसने? सरबजोत सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल, जो कि हैं हरियाणा के। और इसी में टीम इवेंट में दोस्तों सौरभ और सरबजोत की जोड़ी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल, हरियाणा टीम को जिताया है गोल्ड मेडल। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आपको एक पॉइंट याद रखना है, सौरभ चौधरी का नाम जब भी आए आप लोग गोल्ड मेडल लगा दिया कीजिए। सौरभ चौधरी से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो पूछा जाएगा कि ये किस इवेंट में भाग लेते हैं, किस इवेंट में खेलते हैं, तो याद रखिएगा 10 मीटर का एयर पिस्टल। ठीक है, और कहाँ के हैं ये पूछा जा सकता है, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी जब भी इनका नाम आए आप लोग गोल्ड मेडल लगा दिया कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह दोस्तों मनाया जाएगा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। ये इस बार दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा ये मनाया जा रहा है। 31वां संस्करण है इस बार, 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो जाहिर सी बात है रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों स्कूलों में वुमेंस की 2-व्हीलर की रैली भी निकाली जाएगी, साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम जैसे कई फंक्शन भी आयोजित किए जाएंगे। और ये महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें भारत के जो रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री है उसने भी घोषणा की है कि 10 करोड़ तक की फाइनेंशियल हेल्प भी वो करने को तैयार है। ठीक है, तो 10 करोड़ तक की फाइनेंशियल हेल्प करेगा रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा महाराष्ट्र से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, अभी महाराष्ट्र दोस्तों चर्चे में आया था जब उसने साइबर सिक्योरिटी के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए साइबर सेफ वुमन पहल शुरू की थी, इसे भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम आपके आज के क्वेश्चंस की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को डीकमीशन किया है। अगला है, किस राज्य की शाही लीची को GI टैग दिया गया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। और दोस्तों अब वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से आप लोग क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्विज सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता लग पाता है कि आपने जो यहाँ पर 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा कितना मिला है। तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करो। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है यशु सैनी, रविशंकर, विजय यादव, राकेश ढाका, मनोज पाल, मधु स्मिता, शुभम, सुजीत कुमार, सुरभि गुप्ता, मंटू कुमार, मिथुन कुमार, सुमन सैनी, राघव, राकेश रंजन और पराग। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।